फैमिली हमारी जा रही है शॉपिंग पे, दिवाली भी आ रही है, एक हफ्ता दूर है दिवाली हमारी, और साथ ही हमें 2-3 हफ्ते बाद हमें उज्जैन के लिए भी जाना है, तो उसके लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो आज हमारे साथ पापा भी जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पापा कपड़े की शॉपिंग करने कभी जाते नहीं है हमारे साथ, बहुत ही रेयरली ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पापा हमारे साथ जाते हैं। तो चलो चलते हैं हमारे डे आउट में हमारे साथ। गाइस वी आर रेडी टू गो, चलो पटिया सिल्क होती है, इसको जाड़े जाड़े पहनेंगे तो दूना आराम मिलता है। अरे मैं तो कपड़ा लेके सिलवाने के चक्कर में थी, ये ले ले हमने फाइनली पापा के लिए, पापा को ये चूना लगाया 3500 का चूना लगता हुआ, पर भी पापा ही रहा है। ये करके डिस्काउंट करना देखना, मैं टोटल करके मैं कर लूँ। हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड शॉप, ले लिया पापा का। बहुत भीड़ है ना, भीड़ का रियल कारण है ये छोटा हाथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पापा कितने का चुना लगाया तुमने अपने आप को? 3000 रुपए। लेकिन एक चीज है, ये चीज बढ़िया है, ये कभी भी सुंदर सोबर कभी भी नया ही रहे। तुम्हारी आवाज तो अभी नहीं आ रही है, तो घर जाके बस कभी सही कपड़ा है ये कि नहीं? देख मोटे मोटे तो अब तुम देखना कि पार्टी का सही बात है, दीदी ने पे किया है। मिल्क केक है कहाँ से? मिल्क केक ये है शायद, नहीं मिल्क केक ये है, नहीं मिल्क केक तो ये है। ये कितना सुंदर लग रहा है। मुझे ये केक चाहिए था मुझे सच्ची में। हाँ ये असली वाला केक है, लेकिन सुंदर है ये सैंडविच है आई थिंक। अरे ठीक है, चम्मच ले लीजिए, पैसे का कैलकुलेशन कर रहे हैं बैठ के। खा भी तो तुम ही रहे हो, यहाँ में खिला रहे हो। गणेश नारियल के कवर से सुंदर सुंदर ये जूते टूट जाएंगे। क्या हुआ? कितना सुंदर है, अरे कितना सुंदर दुकान है यार, मजा ही आ गया देख करके। हाँ इसका एक साइड का फूल निकला हुआ है। ऑलरेडी इतने झुमके लेने के बाद भी झुमके पे ही अटकी हुई है, कोई नहीं रोई।
ले। पर इसमें कढ़ाई दूसरे कलर की होती है ना तो मजा आ जाता। ये बहुत सुंदर लगेगा, ले ले ये। कोल्हापुरी चप्पल्स भी है यहाँ पे। ये वाला कौन सा? ठीक है, चीज दबाएगी तो है ये, अभी एक दो दिन ये अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल है। और ब्राउन कलर हर चीज पे चलता है। इसे ये क्या बोलते हैं, अगर इसको पॉलिश यूज करना हो तो ये ले दो कलर लेके, दो कलर ले लेते हैं। आप चलो पे कहाँ करें? दीदी दीदी ले ली, गिरा दे सब कुछ। चलो चलो, कुर्ती भी डन, सूट भी डन, एंड डन एंड रेडी फॉर ट्रिप। हाँ ट्रिप, एंड ऑल्सो हम जा रहे हैं घर अंजलि कुछ खाने के लिए। अच्छा हाँ, छोले भटूरे घर पे हमने पैक करवा के भिजवा दिए हैं। घर जाते हुए हम फाइनली हम आ चुके हैं घर, और हम अब दिखाने वाले कि हम क्या लेकर आए हैं मार्केट से। तो सबसे पहली दुकान पे हम गए थे पापा के कपड़े लेने के लिए, खादी भंडार जो कि गांधी आश्रम से है। तो हम पापा के लिए कुर्ता लेकर आए जो खोलूंगी नहीं, क्योंकि फिर मुझे फोल्ड बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो कि पापा अभी कब पहनेंगे, छठ पे पहनेंगे। पापा इसे छठ पे पहनने वाले हैं। ये है कुर्ता और वाइट बेसिक पजामा, देखो ये गांधी आश्रम का है। हाँ दिख गया भैया, दिख गया उन्हें। ठीक है ये लाए पहली दुकान से। नेक्स्ट हम गए थे सूट वाली, नहीं ज्वेलरी, चलो बाद में दिखाऊंगी। फिर हम गए सूट वाली चिकनकारी दुकान। हम लोगों को आज यूजर जैसे उज्जैन जाने के लिए लाए हैं, क्योंकि वहाँ पे येल्लो येल्लो पहन के जाते हैं। हमने बहुत देखा है जितने भी इन्फ्लुएंसर वगैरह जाते हैं या फिर नॉर्मल लोग भी पीले पीले कपड़े पहन के जाते हैं, तो हमने भी सोचा हम भी कुछ येल्लो ले लें, कूल लगेंगे। उसके बाद हमने लिया थोड़ा सा बैंगल्स, दिस वन पहन के दिखा देती हूँ। हाँ थोड़ा आगे उठाओ, ये है ये बैंगल्स। अरे टिंग टिंग टिंग, अरे बहुत सुंदर है ये। और मैं ये रेगुलर यूज के लिए ऐसे ही मतलब हल्के से इयर रिंग्स ले आए। ये लेट मी शो, दिख रहा है गाइस? हाँ दिख रहा है मेरे लिए। अभी मेरे पास कोई झुमके नहीं है, अभी हम सरोजनी जाएंगे तो मैं वहाँ से अपने लिए सूट के लिए एक झुमका सा लेके आऊँगी, क्यूट सा मीनाकारी झुमका। नेक्स्ट लास्ट में हम गए थे जुतियों के स्टोर से, क्योंकि अब हमें जुत्ती भी मतलब हमने पहनी थी ये वाली, बट जयपुर से लाए थे तो घिस चुकी है अब बहुत, तो हमने सोचा कुछ नया लिया जाए। तो ये अंजलि का है, ये मेरा, मतलब हमने सेम लिया है बस दोनों में कलर अलग अलग है। टिंग टिंग, ये मेरा, मतलब हम दोनों पहन लेंगे। और
साइज साइज हम दोनों का सेम ही है, कुर्ते भी हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे अगर मन करेगा तो। ये तो साइज वाह तो बस आज की यही शॉपिंग थी हम लोगों की, लगती है क्या? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यस, स्टे ट्यून। अगर हम सरोजनी नगर जाएंगे तो उसका ब्लॉग जरूर बनाएंगे। और बाकी तो बस अब जा रहे हैं हम छोले भटूरे खाने, जो हमने पैक करा के पापा से मार्केट से भिजवाते हैं। हमने पापा को रास्ते में ही भेज दिया था कि जाओ पापा, तुमने तुमसे नहीं झिल पाएगा हमारे कपड़े लेने के लिए। पापा वैसे ही थक चुके थे, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। हमने कहा ठीक है चलो जाओ घर जाओ, एग्जॉस्ट हो चुके थे बेचारे वो, इसीलिए कहते हैं पापा, पापा कहते हैं कि मैं इसीलिए मार्केट नहीं आता क्योंकि मैं ऐसे थक जाता हूँ और मेरे को लेडीजों की शॉपिंग पसंद नहीं आती। चलो बाय बाय, बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।